सो गाइस, आपके घर में ऐसा कभी आपने देखा है कि आपका किसी चीज को खाली रखा है और वो जादू से भर गया है? कभी भी नहीं देखा होगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं मादारी लोग खाली टोकरी के अंदर से किस तरीके से जादू करके कबूतर वगैरह निकाल के दिखाते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा और साथ साथ इसके बारे में बताऊंगा भी कि किस तरीके से किया जाता है, इसके पीछे का राज यानी कि ट्रिक्स क्या है। सो गाइस, मैं हूं नाजू और स्वागत है आपको ट्यूटोरियल गुर्जर के नया वीडियो पर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, चलिए अब हमारा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं वीडियो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, गौर से देखना। और दूसरा बात तो ये है, अगर इस तरह का और भी वीडियो देखना है तो आपको ऊपर में आई बटन में लिंक मिल जाएगा, साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और लास्ट में दोनों कॉर्नर पे आपको देखने को मिल सकता है। और गाइस, बजट बहुत कम है तो देख सकते हैं नॉर्मली हेडफोन यूज कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए हो रहा है। तो गाइस, थोड़ा सा शेयर करें, सपोर्ट करें ताकि अच्छा हेडफोन मिल जाए मुझे, अच्छा खासा। चलिए जो भी है, हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गौर से देखिए वीडियो को। टोकरी है, इनके पास एक चद्दर भी है। गौर से देखना, अच्छे तरीके से एक एक चीज को देखने की कोशिश करें वीडियो में। बहुत ज्यादा वायरल हुआ था ये वीडियो और आपको YouTube में भी मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख सकते हैं। इसको कहते हैं आंखों का धोखा, आपके सामने चोरी करेगा लेकिन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसी का नाम है मैजिक। यस, खाली वो बोल भी दे रहा है कि अगर पकड़ पाते हैं तो पकड़ लीजिए, मुझे बताना। ओके, इतना वो चैलेंज दे रहा है आप सबको। आपको लग रहा है कि इसमें कुछ डाल दिया ना, लेकिन कुछ डाला नहीं। पैर दिखा रहा है, कितना लोग है, सब लोग देख रहे हैं तो भी मतलब पकड़ नहीं पा रहे। देखिए, वाओ, देख सकते हैं जैसे कि कबूतर आ गया, आपको दिखा एक एक करके खाली, लेकिन देख सकते हैं कबूतर आ गया। वाह, बढ़िया बढ़िया मैजिक। वाओ, इतने लोगों के सामने चोरी करना बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही दिक्कत होता है, आगे पीछे सब लोग खड़े हैं। पूरी फैमिली आ रहा है। ओ वाओ, ओ गाइस, देख सकते हैं एक कबूतर था, फिर थ्री कबूतर यानी कि तीन कबूतर आ गया है। बढ़िया बढ़िया मैजिक ट्रिक्स। ओहो, बहुत बढ़िया मैजिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक है जैसे कि आपने देखा। और गाइस, इस मैजिक में होता क्या है, यहाँ पर ऑडियंस जो है हर तरफ होता है, पीछे सामने, और मैजिक जो है जहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर पीछे किसी को रखा नहीं जाता, लेकिन बट यहाँ पर जो मैजिक दिखाया बहुत ही गजब का तरीका है इनका दिखाने का, क्योंकि हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से दिखाया, ओपन करके कुछ भी नहीं है बट वहाँ से कबूतर निकाल के दिखाया, गजब का मैजिक है। तो चलिए अब हम सीखेंगे इसको किस तरीके से किया जाता है, लेकिन बट इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें और साथ साथ अगर आप इस तरह का नया नया मैजिक ट्रिक्स इनकी जादू सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑल कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो इस तरीके में सिखाऊं सबसे पहले आपको सीखने को मौका मिले। और गाइस, प्यार से कमेंट तो कर देना कैसा लगा आपको मैजिक सीखने के बाद, और भी नए नए मैजिक ट्रिक्स वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, साथ साथ दोनों कॉर्नर पे भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आप सीखते हैं इस मैजिक को यानी कि इस जादू को किस तरीके से।
तो ये मैजिशियन मैजिक दिखाने से पहले अपने पैर के नीचे एक ब्लैक कलर का बैग रखता है जो आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आप इससे पहले इस चीज़ को कभी भी गौर नहीं करते होंगे क्योंकि उनका जो शर्ट है वो भी ब्लैक कलर का, उनका जो पैंट है वो भी ब्लैक कलर का, इसीलिए आप इतना इसमें गौर नहीं करते हैं। और यही है इस मैजिक का सबसे बड़ा चालाकी यानी कि राज। और जो तीन कबूतर आपको जादू से निकाल के दिखाते हैं वो तीन कबूतर पहले से ही उस टोकरी के अंदर रख देते हैं यानी कि रखा जाता है। फिर इस कपड़े से यानी कि इस चादर से उस टोकरी को ढक दिया जाता है। फिर तब बात करते करते एक एक कबूतर उठाते हैं टोकरी से और उनके पैर के नीचे जो रखा जाता है बैग उसके अंदर डाल देते हैं, जो आपको वीडियो देखने से अभी पता चल जाएगा। और फिर बैग में कबूतर डालने के बाद उस बैग को अपने पैर के नीचे रखता है और अच्छे से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी ये जादूगर इस वीडियो में गलती से चेक कर लेते हैं कि उनका कबूतर सही तो है, बाहर तो नहीं हो रहा है। इस वीडियो को गौर से देखिए तो आपको ये पता चल जाएगा। फिर बहुत सारा बातों की उलझन में डालने की कोशिश करते हैं और फिर दोनों टोकरी को एक एक करके खाली भी दिखाने की कोशिश करते हैं और सच में वो खाली भी होता है क्योंकि कबूतर उनके पैर के नीचे होता है। और फिर आप लोगों की आंख को भटकाने के लिए छोटा मोटा झूठ मुठ की चालाकी करने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे सामान डालना टोकरी के अंदर या कुछ सामान डालने की कोशिश करता है लेकिन वो आपको लगता है सच में डाल रहा है लेकिन वो पूरा ये एक्टिंग करता रहता है। और आप लोग जब इस एक्टिंग के जाल में फंस जाते हैं तब उन्हीं दोनों टोकरी को आप अच्छे तरीके से फॉलो करते रहते हैं और इसी बीच जादूगर अपने चादर को के अपने पैर के साइड रख देते हैं। और जब एक टोकरी को खाली दिखाते हैं या दोनों टोकरी को खाली दिखाने जाते हैं तब अपने पैर के नीचे से भरा हुआ कबूतर बैग को अपने चादर के नीचे छुपा लेते हैं, जो वीडियो में आपको अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। फिर कबूतर भरा हुआ बैग के साथ साथ इस चादर को भी जादूगर हाथ से उठा के ले आते हैं सामने और थोड़ा सा एक्टिंग करते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है लेकिन फिलहाल उनके हाथ में बैग होता है। फिर टोकरी के अंदर हाथ डाल के उस कबूतर को बाहर करके बैग को टोकरी के ऊपर रखा जाता है और जब इस कपड़े को यानी कि इस चादर को हटाया जाता है तब उसके साथ उस बैग को भी एक साथ उठाया लिया जाता है। और गाइस जब टोकरी को उठाते हैं तब आपको देखने को मिलता है एक कबूतर, लेकिन उस टाइम पे दूसरा यानी कि दो कबूतर कहाँ होता है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे हाथ से दोनों कबूतर को उठा के वो टोकरी को भी उठा लेते हैं एक साथ और तब आप ये फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि आप तब इस जो पहला कबूतर है इसको आप फॉलो करते रहते हैं और तब टोकरी को दोबारा वहाँ पर रखा जाता है और फिर जब उठाया जाता है तब आपको देखने को मिलता है तीन कबूतर। सो गाइस ये एक नॉर्मली हैंड ट्रिक्स है तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको दिखाया जाता है। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर कमेंट करें और साथ साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें यार, क्यों नहीं करते लाइक, और साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले इस मैजिक का राज क्या है। तो चलिए आज इतना ही, फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। Through the highways, till my shadow turns to sun rays.